जी, तो शुरुआत करते हैं चाबी से। प्रिंसिपल की जो चाबी है, ये एक साल बाद कैसी है? इसके स्पीड में थोड़ा सा फर्क आया हुआ है। फोग लाइट्स के हवाले से मैं बात करता चलूं कि फोग लाइट्स दो दफ़ा ख़राब हुई थी। ये चीज़ चेक करें, मटेरियल क्वालिटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अरसलान और आप देख रहे हैं MRM व्लॉग। आज की हमारी वीडियो है प्रिंसिपल के हवाले से। प्रिंसिपल की परफॉर्मेंस को आज हम डिस्कस करेंगे, एक साल के बाद इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी चाबी से और फिर वन बाय वन करके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इसकी परफॉर्मेंस आज कहां पे है। मैं सबसे पहले बताता चलूं कि ये जो मेरी गाड़ी है, ये मैंने मोर देन 10,000 किलोमीटर चला चुका हूं। जी, तो शुरुआत करते हैं चाबी से। प्रिंसिपल की जो चाबी है, ये एक साल बाद कैसी है? इसका ये जो क्रोम है, ये उतर गया है और पीछे से ये भी उतर गया है और बटन वैसे का वैसे ही है। और हम लॉक करेंगे, लॉक हो गई गाड़ी, अनलॉक हो गई। ये मैंने अभी तक इसका सेल नहीं चेंज किया है। ये थी परफॉर्मेंस आफ्टर वन ईयर। एक साल पहले भी इसकी परफॉर्मेंस ऐसी ही थी और एक साल बाद भी ऐसी ही है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने इस गाड़ी के जो फीचर्स हैं इंटीरियर, उसके हवाले से। सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्गी ओपनर की। इसका बटन आज भी वैसा ही है, एक दफ़ा प्रेस करें, पीछे देखें, डिग्गी ओपन हो जाएगी। जी, इसकी डिग्गी ओपनर जो स्पीड है, ये भी बहुत अच्छी है। बात करते चलें इसकी लाइट की, लाइट भी वैसी ही है आफ्टर वन ईयर। एक साल के बाद भी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। सन शेड्स की बात करें, वो भी वैसे के वैसे ही हैं। एक दफ़ा हुआ था कि ये सन शेड जो है ना, ये निकल आया था बाहर, तो वो फिर जो है ना, मैंने एक दो दिन के बाद इसको अंदर किया था, अंदर हो जाता है। और इसके जो साइड मिरर्स हैं, उसकी हम बात करते चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले हम ये जो राइट वाला है ये कर लेते हैं। ये देखिए, ये राइट वाला है। अब हम करेंगे लेफ्ट वाला। इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने लॉक अनलॉक की, मतलब कि ये डोर पैनल देखें आप, बिल्कुल ठीक है, कहीं से कलर नहीं उतरा यार इसका। और पहले मैं आपको दिखा दूं लॉक अनलॉक करके। ये जो है लॉक है, ये लॉक हो गया, ये अनलॉक हो गया, अनलॉक लॉक हो गया। ये जो फ्रंट वाला जो शीशा है, पावर विंडो, हम उसकी स्पीड चेक कर लें। ये देखिए ये, और इसकी भी देख लो, इसकी स्पीड में थोड़ा सा फ़र्क आया हुआ है, बट ये है कि पावर विंडो तो है। ये बैक वाला देख लो, बैक वाली स्पीड अच्छी है। और ये वाला भी दिखा दूँ आपको, ये पावर विंडो हो गया और ये बटन भी फंक्शंस गाड़ी का कर रहा है। आपको स्टेयरिंग भी दिखा दूँ कि वाइब्रेट नहीं कर रहा। यार अजीज़ भाई, क्या हो गया आपको? खुदा का खौफ करे। गाड़ी का स्टेयरिंग भी अच्छा है, इसकी जो पावर स्टेयरिंग है ये भी ठीक काम कर रहा है। और क्लच दबा के मैं बैक कैमरा दिखा दूँ आपको, ये भी बहुत अच्छा है, सेम एज इट इज़ ही है। और शीशे की बात कर लें, जो बैक साइड वाला है। और ग्रिल्स की बात करें मैं, ग्रिल्स आपको दिखाऊं यार, ये भी गाड़ी अब्दुल अजीज़ भाई 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा ही चली हुई है, अभी तक बहुत अच्छी चल रही है। ये सेंटर वाले और ये साइड वाले, चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं बट एडजस्टमेंट भी हो जाती है इनकी। डैशबोर्ड से आवाज़ आ रही थी स्टार्ट में कड़कड़ कड़कड़ की, जो कि आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम एक दो महीने के बाद ठीक हो गई थी। ग्लव्स बॉक्स का इशू जो है ना, वो स्टिल मेरे साथ रहता है। और ये है इंटीरियर, साइड्स भी देख लें इसकी,
एज इट इज ही है बिल्कुल। एंड के अंदर हम इसकी फ्यूल एवरेज के बारे में बात करेंगे और इसके जो कुप्पे शुपे हैं वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, इसके गैप्स भी दिखाऊंगा, वो इंटीरियर एक्सटीरियर में आ जाते हैं। पहले मैं आपको अंदर का सिस्टम बता दूं, इसका एसी बहुत अच्छा रहा है और सीज़न के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। गियर की मैं बात करता चलूँ, अब्दुल अजीज़ भाई आपने तो हद ही मुका दी है। ये गियर है ना, ये पहला है, कोई आवाज़ नहीं आई, ये देखें, ये अच्छा। जो विंड्स के ऊपर वाइपर्स हैं उसकी भी मैं आपको दिखा दूं, उनकी भी स्पीड आप चेक करें, ये भी हो गया। स्पीडोमीटर एज इट इज़ ही है और हर चीज़ प्रॉपर काम कर रही है, लाइट्स भी प्रॉपर काम कर रही हैं। और अब मैं आपको इसकी फोग लाइट्स भी दिखा दूं, फोग लाइट्स के हवाले से मैं बात करता चलूं कि फोग लाइट्स दो दफ़ा ख़राब हुई थी और उसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर एक पिक्चर लगा हुआ था, उस ट्विचर को उस मैकेनिक ने निकाल के इसको आपस में डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया था, तो उसके बाद ये नहीं ख़राब हुई है। और इसकी जो बैक सीट है वो भी दिखा दूँगा आपको, और इसकी बेटा पीछे हटें एक मिनट, सीट क्वालिटी के हवाले से बात करें तो वो भी एज इट इज़ ही रही है। इसका जो हैंड ब्रेक है वो भी बहुत अच्छी रही है, और ये इसकी छत है, और ये हॉर्न है इसका, इसके अब हम देखेंगे बैक साइड। ये बैक साइड है और ये डिग्गी वाली साइड है, ये हो गया इंटीरियर। कुछ भी ख़राब नहीं हुआ, सब कुछ ऐसे ही है, रबड़े भी वैसे ही हैं, ये चीज़ें भी वैसे ही हैं। और जब हम ये चीज़ चेक करें, मटेरियल क्वालिटी यहाँ पे एक बात कर चलूँ, एक दफ़ा इसका एक साल के बीच में कुछ महीनों पहले इसका जो ये वाला वाइपर है ये ख़राब हो गया था, तो उसका ना ये नट लगे होते हैं, ये नट होते हैं, इसको यूं टाइट कर लीजिएगा तो ये दोबारा अपनी जगह पे आ जाता है। वो जब मैं इसको चला रहा था तो ये वाला नहीं मूव कर रहा था, ये वाला मूव कर रहा था, ये वाला, तो जब मैंने इसको देखा तो कुछ चीज़ें होती हैं वो खुद ही हैंडल कर लेते होते हैं, बजाय कि इतनी सी बात के लिए हम शोरूम लेके जाएं इस गाड़ी को। अब हम इसका बॉनेट देखेंगे अंदर से कि वो अपनी जगह पर है कि नहीं, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सटीरियर के ऊपर लेके आऊँगा।